धातु और अधातुओं में अंतर। रासायनिक गुण के आधार पर धातुओं के ऑक्साइड अक्षारीय होते हैं, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अधातुएं इनके ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं और अपचय के रूप में कार्य करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण आयन बनाती हैं, इसलिए आक्सीकारक के रूप में कार्य करती हैं। धातुएं क्लोराइड के साथ विद्युत संयोजी आबंध बनाती हैं। अधातुएं क्लोरीन के साथ सह संयोजक आबंध बनाती हैं। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। अधातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। अधातुएं जलीय विलयन में धनात्मक आयन बनाती हैं, यह जलीय विलयन में उपस्थित होती हैं पर ऋण आयन बनाती हैं। भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। धातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होती है। अधातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या इससे अधिक होती है। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं सभी तीनों अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव व गैस के रूप में पाई जाती हैं। धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है। अधातुओं में इस प्रकार की चमक नहीं पाई जाती ग्रेफाइट को छोड़कर। अधिकतर धातुएं विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। धातुएं अज्ञात वर्त्य तथा तन्य होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं सोडियम तथा पोटासियम को छोड़कर। अधातुएं अपेक्षाकृत गर्म होती हैं हीरे को छोड़कर। धातुएं क्वथनांक में गलनांक होते हैं और अधातुएं अपेक्षाकृत इनके क्वथनांक व गलनांक न्यून होते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।